आज हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीसवाइज कंटिन्यू फंक्शन पे हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में ये जाना था कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है। तो अब उसमें आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पीसवाइज कंटिन्यू होना चाहिए और एक एक्सपोनेंशियल आर्डर होना चाहिए, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में बड़ा डीपली इसको स्टडी किया था। तो आपके पास ये दो कंडीशंस हैं। अब हम यहाँ पे इसका ये प्रूव किया गया है, मैं प्रूव को डिस्कस नहीं कर रहा, ये शॉर्टली इसको मैं कर देता हूँ। ये देखें, हमने इसको प्रूव करना है कि इसके लिए दोनों कंडीशन नेसेसरी हैं। तो हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं एफ ऑफ टी, जस्ट हम जीरो टू टी ले रहे हैं, ये सारी वैल्यू ले ली, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन बन गए। एक को हमने आई वन कह दिया, एक आई टू। यहाँ पे देखें, द इंटीग्रल आई वन एग्जिस्ट बिकॉज इट कैन बी रिटर्न एज अ सम ऑफ द इंटीग्रल ओवर अ इंटरवल ऑन विच ई पावर माइनस एस टी एफ इज कंटिन्यू। अब हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है। नाउ सिंस एफ इज़ एक्सपोनेंशियल आर्डर, हमें ये दिया गया है कि ये एक्सपोनेंशियल आर्डर है, तो इट मीन के एक्सपोनेंशियल आर्डर का क्या मतलब होता है कि एम भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, टी भी ग्रेटर देन ज़ीरो है और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि जो आई टू है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि एस जो है वो ग्रेटर देन सी है, सिंस टी टू इन्फिनिटी ऑफ डी टी कन्वर्ज, द इंटीग्रल डी टी कन्वर्ज बाय द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहाँ से हमने देखा कि कन्वर्ज कर रहा है, तो इट मीन के वाकया ही जो है लिमिट एग्जिस्ट करती है। बहरहाल इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो आपको समझ आनी चाहिए, यानी आप इसका आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है इसके प्रूव की, इसको आप गौर करें। और ये मैंने इसको डीपली इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं इसको ज़रूरी नहीं समझ रहा था। अब इस लेक्चर के इम्पॉर्टेंस के लिहाज से, चूँकि मैं फोकस कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीसवाइज कंटिन्यू फंक्शन पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। और इसके बाद कुछ नोट में जो आपको बताया जाएगा वो तो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से आगाही हासिल करना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास है जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो है जब टी की वैल्यू ज़ीरो से थ्री है, और ये टू है जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री है। तो इसको हम कहते हैं कि ये आ गया हमारे पास पीस वाइज फंक्शन। हमारा पर्पज़ ये है कि हम चाहते हैं कि पीस वाइज कंटिन्यू फंक्शन, ये पीस वाइज कंटिन्यू क्यों है? आप इस फंक्शन को देख के ये देख सकते हैं कि ये फंक्शन ज़ीरो से शुरू होता है और जाके इन्फिनिटी पे जाता है, इसलिए ये पीस वाइज कंटिन्यू है। कैसे जाता है? देखें, यहाँ लिखा हुआ है ज़ीरो, ज़ीरो इसमें इंक्लूड है से लेके थ्री। अब थ्री इस लाइन में इंक्लूड नहीं है, थ्री इस लाइन में इंक्लूड नहीं है और थ्री यहाँ पर इंक्लूड है, तो इससे आगे थ्री से लेके इन्फिनिटी तक सारे इंक्लूड हैं। तो आपने ये देखा कि ये फंक्शन जो है वो पीस वाइज कंटिन्यू है। लेकिन अगर ये हमें कैसे पता होता कि ये पीस वाइज कंटिन्यू नहीं है? सपोज़ यहाँ लिखा होता ज़ीरो टू थ्री और यहाँ फोर से आगे वैल्यू शुरू होती, या थ्री से ऊपर की किसी वैल्यू से स्टार्ट होता, तो उस केस में हम कहते हैं कि बीच में से वो वैल्यू, यानी कि थ्री से यहाँ फोर आ जाता, तो हम कहते हैं थ्री से फोर तक मिसिंग है, इसलिए ये जो है पीस वाइज जो है वो नहीं है, पीस वाइज कंटिन्यू नहीं है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को देख के पता है कि ये पीस वाइज कंटिन्यू है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है इसको सॉल्व करने से मुतलका है। अब हमने क्या किया, ये हमने ले लिया लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ हम लिखते हैं ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसके दो पार्ट्स बनाते हैं, एक ज़ीरो टू थ्री है और दूसरा है वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी है। ज़ीरो टू थ्री में हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू ज़ीरो दी हुई है और इसकी वैल्यू टू दी हुई है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप पीस वाइज जो कंटिन्यू फंक्शन होते हैं उन पे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें हम ये है थ्योरम है ये, इसको ज़रूर अंडरस्टैंड करें और पूरा इस पे फोकस करें। इसके प्रूफ में इतनी इससे ज़्यादा अहमियत इस थ्योरम की स्टेटमेंट पर फोकस करें। इफ़ एफ़ इज़ पीस वाइज कंटिन्यू ऑन इंटरवल ज़ीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बात है, पहले हमेशा आप लोग एक चीज़ पढ़ते रहे हो, यहाँ ज़ीरो टू इन्फिनिटी इस पे देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होता है क्या था कि ज़ीरो भी इंक्लूड है और इन्फिनिटी इंक्लूड तो कभी होती ही नहीं है। तो अब इसमें क्या फ़र्क है,
इसमें कहा गया है ज़ीरो इंक्लूड नहीं है टू इन्फिनिटी। तो अब हम कहते हैं ये ऐसे है एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल आर्डर, और ये एक्सपोनेंशियल आर्डर भी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी का, मैं थोड़ी सी ज़ीरो इंक्लूड नहीं है अभी दिस वन, देन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आपके पास उसकी लिमिट हमेशा ज़ीरो आती है। ये तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है कि अगर ज़ीरो इंक्लूड ना हो तो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है अगर उस पर लिमिट अप्लाई की जाए। ऐसा कैसे होता है, थोड़ा सा इसमें प्रूव में आप देख लें। देखें हमारे पास है सिंस एफ ऑफ एक्सपोनेंशियल आर्डर देयर एग्जिस्ट आई एम वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये देखें एक्सपोनेंशियल आर्डर की पहली कंडीशन, दूसरी और ये वाली कंडीशन से आप ये यहाँ तक तो एक्सपोनेंशियल आर्डर को लिखा गया है। आल्सो सिंस एफ इज़ पीस वाइज कंटिन्यू, पीस वाइज कंटिन्यू के मुताबिक ये ज़ीरो से टी, टी से कैपिटल टी है, इट इज़ नेसेसरी बाउंडेड ऑन द इंटरवल दैट, ये जो है ये बाउंडेड है इस इंटरवल में। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ एस मॉड इज़ दिस वन, ये इससे लेस है, इसका रिजल्ट एम ओवर एस माइनस सी आर है। बहरहाल ये कि आपने यहाँ पे इस फोकस इस पे करना है, मैं इसकी ज़्यादा डीपली अगर डिस्कस करूँ तो मेरे 10 से 15 मिनट इस पे लग जाए। अगर आपको ये थ्योरम चाहिए या इसका प्रूफ चाहिए, कहीं से समझ नहीं आती, तो आप मुझे वहाँ से लिख सकते हैं ताकि मैं आपको उसका प्रूफ उसके मुताबिक भेजूँ। अच्छा यहाँ पे आपने जो इसमें याद रखने की बात है वो है कि एफ जो है वो पीस वाइज कंटिन्यू है ज़ीरो टू इन्फिनीटी, और एक्सपोनेंशियल आर्डर है, सिर्फ फ़र्क इतना पड़ा है कि ज़ीरो इंक्लूड ना हो तो उस केस में ये रिजल्ट आता है। अब हमारी जो है कुछ रिमार्क्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको लेप्लास इक्वेशन के लिए, वो क्या हैं देखें। थ्रू आउट दिस चैप्टर वी शैल बी कंसर्न्ड विद द फंक्शन दैट आर बोथ पीस वाइज कंटिन्यू एंड एक्सपोनेंशियल आर्डर। यहाँ पे हम जितनी भी स्टडी की है हमने वो दो चीज़ों पे की है। कौन कौन सी? एक तो हमने ये कहा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो पीस वाइज कंटिन्यू हो और एक्सपोनेंशियल आर्डर हो। अब ये दोनों कंडीशनें सफिशेंट हैं, यह याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझें। वी नोट हाउएवर दैट दीज टू कंडीशन सफिशेंट बट नॉट नेसेसरी, ये दोनों कंडीशनें जो हैं वो सफिशेंट हैं लेकिन नेसेसरी नहीं हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन द फंक्शन। सपोज देखें ना आपको ये एफ ऑफ टी टी पावर माइनस वन बाई टू दिया हुआ है, ये पीस वाइज नहीं है, पीस वाइज कंटिन्यू नहीं है, ऑन द इंटरवल ज़ीरो टू इन्फिनिटी ये पीस वाइज कंटिन्यू नहीं है, बट लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट, लेकिन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। तो आपने इस पैराग्राफ से क्या मतलब निकाला, इस पूरे जो हमने पीछे जितने हैं चार लेक्चर पढ़े हैं उससे क्या रिजल्ट निकला कि जब आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो उसी वक्त एग्जिस्ट करती है जब वो क्या हो, पीस वाइज कंटिन्यू हो और दूसरे नंबर पे एक्सपोनेंशियल आर्डर हो। अब वो ऐसा हो तो ऐसा होता ही है कि उसके लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसों की भी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर देती है जो क्या हो, जो पीस वाइज कंटिन्यू ना भी हो, हर एक के लिए नहीं लेकिन कुछ के लिए ऐसे हो भी जाता है। तो ये आपने, आपको सफिशिएंट का मतलब समझ आया होगा, जो कि हमने एक पूरे लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया, सफिशिएंट के ऊपर बात की, और आपको नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब समझ आना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता कि ये नेसेसरी कंडीशन है तो उस केस में हम ये कहते हैं कि ऐसे फंक्शन जो पीस वाइज कंटिन्यू ना हो वो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे उसके थोड़ा अपोजिट है ये बात। अब यहाँ पे है जैसे यहाँ 7.13 की बात की गई, फंक्शन ऑफ एस सच एज एफ वन ऑफ एस इज इक्वल टू वन एंड एफ टू ऑफ एस इज इक्वल टू दिस आर नॉट द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पीस वाइज कंटिन्यू फंक्शन आर एक्सपोनेंशियल आर्डर सिंस एफ वन ऑफ एस डज नॉट अप्रोच ज़ीरो एंड एफ टू ऑफ एस दिस एज एस अप्रोच इन्फिनिटी but you should not conclude from this that f1 of s and f2 of s are not laplace transformation, there are another kind of a function. ab yahan pe dekhen ye 7.13 ki baat ki gayi, is theorem ki baat ki hai iski, isme wo ye kaha gaya hai ki agar ye wali condition aa jaye yani zero include na ho
तो आप कहीं इसका गलत मतलब नहीं निकाल लीजिएगा। क्या मतलब? दैट द फंक्शन ऑफ एच एफ वन ऑफ एस इक्वल टू वन। सपोज कि आपने किसी सवाल को हल किया, आपका आंसर वन आया, दूसरे को आप हल करें तो आंसर ये आया। अब यानी आपने हल किया, आंसर ये आ रहा है। आर नॉट द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीस वाइज कंटिन्यू फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल आर्डर। ये वो कह रहा है कि इसका ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा जो आपने ये आंसर लाया है, क्योंकि हमें पता है एफ वन ऑफ एस जो है वो डज नॉट ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो नहीं आ रहा, ये भी ज़ीरो नहीं आ रहा। तो इससे ये नतीजा यहाँ पे है, बाई यू नॉट कंक्लूड दैट द एफ वन ऑफ एस एंड एफ टू एस आर नॉट लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, देयर आर अदर काइंड ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन की अदर काइंड है। तो आपने यहाँ पे जो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया, डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हमने स्टार्ट लिया, प्रॉब्लम के ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का तरीका देखा, लेकिन हमने ये कहा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती, कभी करती भी है, नहीं भी करती, और हर उस प्रॉब्लम के लिए करती है जो प्रॉब्लम जो हो वो पीस वाइज कंटिन्यू हो, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, और दूसरे नंबर पे वो एक्सपोनेंशियल आर्डर हो, और ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर भी एग्जिस्ट कर देती है जो बेशक पीस वाइज कंटिन्यू ना हो लेकिन वो कभी कभार ऐसे हो सकता है। और दूसरा आपने ये थ्योरम देखा कि ये ऑलवेज ज़ीरो होती है जब ज़ीरो इंक्लूड ना हो। तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे।